नमस्कार, मैं सुरंजना, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। थोड़ी ही देर की बारिश में छतों से पानी टपकने लगता है, साथ ही साथ छतों का प्लास्टर भी टूटकर बेड पर गिर जाता है। ऐसे में अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों में काफ़ी भय बना हुआ है। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। डर के साए में लोग इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। मेडिसिन वार्ड में सैकड़ों मरीज भर्ती हैं। इस वार्ड में छत का प्लास्टर टूटकर मरीज के बेड पर भी गिर जाता है, साथ ही वार्ड के छत से पानी भी टपकता है। आपको बता दें कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भागलपुर, बांका, नवगछिया, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर और पड़ोसी राज्य झारखंड के सीमावर्ती जिलों के हजारों लोग प्रतिदिन इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। आइए देखते हैं कि अनहोनी की आशंका से भयभीत मरीज और उनके परिजन क्या कह रहे हैं। बहुत डर लगा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप इलाज कराने? सत्तरपुर चौरगांव सरगंज से। कितने दिनों से क्या? 22 तारीख से। क्या हुआ? शुगर चीनी का बीमारी था। उसमें भर्ती कराया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? क्रांति देवी। कहाँ से? इलाज कराते हैं। डर नहीं लगता है? डर लगता है तो क्या करिएगा, उसके आगे तो कोई रास्ता नहीं है। आप ही लोग को पढ़ना है, आप ही लोग ने इलाज करवा सकते हैं। तो डर लगता है? डर लगता है, पूरे डर लगता है कि कौन समय गिर जाएगा छत, कौन समय ऐसे भी इलाज हो रहा है, ऐसे भी इलाज होगा, और क्या करेगा। जे गिर करके मारने का हिसाब तो मारिए, क्या करिएगा। गरीब का तो कोई माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। डर लगता है? डर लगता है, पूरे डर लग रहा है। तो रात में सोते नहीं है? नहीं, हल्का मुल्का देखते ही डर लगा रहता है। तो सुना आपने कि भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल काफी जर्जर हो चुका है। इससे मरीजों में हादसे का भय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस खबर को सुनने के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।